हेलो गाइज, मैं हूं अमित। और भाई आज की वीडियो में जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही काम की चीज हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में। भाई मैं यहां पर दुआ करता हूं कि किसी को भी इस चीज की जरूरत ना पड़े, लेकिन भाई अगर अनफॉर्चुनेटली पड़ती है तो ये जो है जान बचा सकती है, जिंदगी बचा सकती है। और दोस्तों आज हमारे पास में है ये एक स्नेक बाइट किट। ये जो किट है आप देख सकते हो, स्नेक बाइट किट लिखा हुआ है। ये जो किट है तब काम आती है जब किसी को कोई सांप काट लेता है, स्पेशली कोई जहरीला सांप। तो ये जो है एक तरीके से सांप काटने के बाद में फर्स्ट एड किट का काम करेगी, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे, क्रिटिकल टाइम होता है। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इस किट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि ये कैसी आती है, ऐसी कोई किट आती भी है नहीं आती। मैंने मंगवाई अमेजोन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों अगर बात करें इस स्नेक बाइट किट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक सांप बना हुआ है, स्नेक बाइट किट लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक पन्नी है। तो इसको हटा लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या है। एक इसके अंदर कुछ इस तरीके की पर्ची भी है, ये पन्नी हट गई है और यहाँ पर नाउ यू गाइस कैन सी कि स्नेक बाइट किट लिखा है और भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है एड ऑन सेफ्टी लिखा हुआ है। एक सांप बना हुआ है, यहाँ पर बिच्छू भी बना हुआ है, एक यहाँ पर जो है ततैया बना हुआ है और यहाँ पर एक ये पता नहीं भाई क्या बना हुआ है। तो हो सकता है कि अगर ये चीज़ें काट लें तो भी ये काम आ सकती है। बाकी कुछ नहीं है, बॉक्स के ऊपर रेड कलर का बॉक्स है, बढ़िया बात है क्योंकि ढूंढने में आसानी रहे, रेड कलर का है, सभी को दिख जाएगा। यहाँ से खुलेगा ये कुछ इस तरीके से, तो मैं इसको खोल लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई साहब ये लो, इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, यहाँ पर स्नेक बाइट किट लिखा हुआ है, सांप बना हुआ है और ये इसके फीचर लिखे हुए हैं कि भाई ये लाइट वेट है, सक्सेशनल सक्शन, सेपरेटेड वैक्यूम पंप एंड कप, प्रोडक्ट यूजेज वगैरह लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ये काम करेगा। ये फ़ोटो भी एक बनी हुई है, ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भाई इसको रखते हैं और सीधा देख ही लेते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले हमको मिलता है ये, इसके अंदर हमको मिलते हैं इस तरीके के रबर ग्लव्स या फिर आई थिंक ये सिलिकॉन ग्लव्स हैं, जो भी हैं ये उस बंदे के लिए हैं जो भी बंदा फर्स्ट एड कर रहा है, जिसको सांप ने काटा है, या तो वो खुद कर रहा है तो भी पहन सकता है, या फिर जो जो दूसरा बंदा है जो कि उसका कर रहा है वो भी इसको पहन सकता है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर हमको मिलता है भैया दो इस तरीके के, क्या है, एल्कोहल स्वॉब। दो यहाँ पर और चीज़ें हैं, ये हैं भाई पोविडोन आयोडीन प्रीपैड, यानी कि कुल मिला के जो घाव होता है उसके ऊपर लगाने के लिए ये हैं, ठीक है, दो हैं। लेकिन भाई जहर का कहाँ है, क्योंकि सांप जो होता है उसके अंदर जहर होता है। अगर वैसा सांप काटे तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉइजनस सांप काटता है तो जहर को निकालना ज़रूरी होता है, या जैसे भी करके जहर को रोकना ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये है, हाँ ये है वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था गाइज़। ये है एक ऐसा स्ट्रैप जिससे कि आप किसी हिस्से को टाइट बांध सकते हो। मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी के हाथ में सांप ने काटा है, तो यहाँ पर जो इसको कुछ इस तरीके से बांधा जा सकता है बिल्कुल टाइट करके। और यार ये जो है ना खुद से बांधने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। बस ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस स्ट्रैप को बांधा जा सकता है। अब जो है मेरा हाथ टाइट हो गया, लेकिन यार इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको और खींचना पड़ेगा, थोड़ा और टाइट करो। लेकिन यार मुझे लगता है कि ये इतना कन्वीनियंट भी नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें पूरे में ये जो है ना चिपकने वाला नहीं होना चाहिए था। ओ बस बस ओए ओए भाई साहब, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, देखो एक बार पूरा जो है हाथ मेरा सीधा नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर किसी को सांप काटता है तो यही करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही बांधना पड़ेगा। तो भाई इसको तो खोलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो हाथ है उसमें ब्लड का फ्लो रुके। दोस्तों ये क्या काम करता है कि हमारा जो खून का फ्लो है
उसको रोक देता है यहाँ से दबा करके, जिससे कि मान लो कि किसी सांप ने यहाँ काट लिया या यहाँ काट लिया या यहाँ काट लिया, तो उससे आगे इसको बांधना है, जहाँ काटा है उससे आगे इसको बांधना है एकदम खींच के, तो जो वो पॉइजन उसके अंदर है, जो जहर है, बेसिकली उसको पॉइजन नहीं बोलते, उसको वेनम बोलते हैं, सांप के जहर को वेनम बोला जाता है, तो जो वेनम है वो उस पार्ट के अंदर ही रहे, वो हमारे बाकी के शरीर में ना जाए, क्योंकि बाकी के शरीर में जाएगा पूरे बॉडी में जाएगा तो माइंड में भी जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्लड के सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला वेनम है, तो ये उसको वहीं पर रोक के रखेगा। तो इसको तो निकाल देता हूं। और दोस्तों ये इसके अंदर इस तरीके की पता नहीं क्या चीज है, क्या ही बोलूं, ये जो है, हाँ ये सक्शन कप लग रहा है मुझे, बिल्कुल भाई ये जो है सक्शन कप है, और ये भी एक सक्शन कप है, यानी कि दो सक्शन कप्स हैं यहाँ पर, और एक इस तरीके का मुझे लगता है, बिल्कुल भाई साहब ये जो है हवा खींचने का जुगाड़ है, और एक ये चीज़ और है, ये मेटल की चीज़ है, बिल्कुल ये जो मेटल का बना हुआ है, ऐसे कुछ खुलता भी है यार ये, गाइज ये जो है मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया है कि व्हाट इज दिस, आगे से भी खुल गया पीछे से भी खुल गया, और इसमें ऐसा कुछ है, ये जो है कुछ चुबाने जैसी कुछ चीज़ है, और यहाँ से ये जो बंद होता है, तो देखते हैं कि इसका भी क्या यूज़ है, और ये देखो पूरा जो है कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है। तो भाई ये सक्शन कप इसके अंदर आता है, एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, आई थिंक ये इसके अंदर, बिल्कुल ये इसके अंदर जा चुका है, और अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं एक बार आपको जो थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर सांप ने काटा है, तो हमको उस जहर को खींच के बाहर निकालना है, सारा जहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन भाई जितना निकल गया उतना फ़ायदा हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगाते, हो सकता है थोड़ा सा पानी लगाने की ज़रूरत भी पड़े, लेकिन नहीं पड़े तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने लगाया, और ये देखो, ओ गाइज यहाँ पर किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड आप लोग देखो मेरी जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा खिंच गई, देखो ये क्या गोल गोल सा बन गया, और मैंने जो है इसकी सारी हवा बाहर निकाल दी है मेरे हिसाब से, अब और नहीं निकल रही है, देखो। तो यहाँ ऑब्वियस ही बात है यार, ये बहुत काम की चीज़ है, ये सीरियसली बहुत काम की चीज़ है, अगर सांप काटता है तो ये उसमें से कुछ जहर को तो निकालेगी, जहर भी आएगा साथ में खून भी आएगा, हो सकता है कप ही पूरा भर जाए, लेकिन वो जो ब्लड भी आएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं वेनम मिक्स होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर में ब्लड की क्वांटिटी है वो कम होगी, और अगर ये ढीला हो जाए तो फिर से टाइट कर सकते हैं, दर्द कर रहा है, अब इसको हटाऊँ कैसे, कैसे हटेगा ये, और अरे गाइस इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और जो हमारा दूसरा ये है ना, इसको इसमें नहीं नहीं ज़्यादा छोड़ दिया क्या, ये हट गया गाइज, इसको जो है हम ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, और जो दूसरा वाला है उसको काम करा सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो गाइज कुछ इस तरीके से दो जो सक्शन पंप्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा हम लोग पानी लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है ना लीक नहीं करेगा, और ऐसे करके इनको हम हटा भी सकते हैं। तो भाई इसके अलावा इसके अंदर और कुछ है नहीं, ये जो जस्ट जो है इसकी सेफ्टी है, तो इसको रख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया देखा होगा, जो वाइप्स हैं ज़रा एक बार इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर भाई साहब एक इस तरीके का क्लोथ है, आप लोग देख सकते हो, जो कि पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन में भीगा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या काम करता है कि जो भी घाव हुआ है ना उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले उस घाव की सफाई करने के लिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। ये जो है वाइप्स है, इसको मैंने जो गलत फाड़ दिया, इस वाले को खोलते हैं, और इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके का क्लोथ मिलता है, बिल्कुल। और ये जो है भाई साहब बिल्कुल आइसोप्रोपिल अल्कोहल में डूबा हुआ है, स्मेल आ रही इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो इससे साफ़ करना है, उसके बाद में इसको लगाना है, यानी कि इसको भी लगा सकते हैं या इससे साफ़ कर सकते हैं, तो घाव साफ हो जाएगा। लास्ट और आखिरी बट नॉट द लीस्ट ये चीज़ बच गई है, ये जो है मेरे हिसाब से, देखो आगे से ये जो है पीतल की बनी हुई है, किस चीज़ की है, और मेरे हिसाब से ये काम आती है जो भी घाव है उसको थोड़ा सा कुरेदने के लिए, यानी यहाँ मेरे सामने नहीं काटा है लेकिन अगर किसी काटता है उसको जो है थोड़ा सा खोलने के लिए, ताकि उसमें सक्शन पंप लगा करके उसका जहर निकाल सके, घाव की सफाई कर सके, शायद इसलिए क्योंकि ये नुकीला हिस्सा है। और ये पीछे का जो ढक्कन है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको मालूम है कि ये कहाँ काम आता है तो ज़रूर से नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नई चीज़ देखी होगी,
मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि भैया ऐसा कुछ भी किसी के साथ ना हो कि किसी को सांप काटे या किसी को ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई सांप जो है किसी को बता के तो काटता नहीं है, हम कभी भी नहीं चाहते कि सांप काटे, लेकिन काट तो लेता है। तो उस काम में, उस टाइम पे ये चीज़ें बड़े काम की हो सकती हैं। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। अगर आपको ये किट मंगवानी है तो अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।